आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एसएससी चैंपियंस पे। मैं सज्जन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं, वहाँ पर उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है 1613 में, और उनके दो साल बाद सूरत में फैक्ट्री लगने के दो साल बाद थॉमस रो इंडिया आते हैं जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में, और वहाँ पे उनको पूरे भारत में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। पूरे भारत में ट्रेड की परमिशन मिलने के बाद उन्होंने पहली फैक्ट्री बंगाल में लगाई 1651 में। 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए कामयाब होने के बाद उन्होंने शाह शुजा से व्यापारिक अनुमति ले ली। मात्र 3000 रुपये वार्षिक में वो पूरे साल बंगाल के एक एरिया में अपनी ट्रेड कर सकते थे। बाद 1698 में उन्हें 3 नगर टैक्स वसूलने के लिए मिल जाते हैं। उनके क्या क्या नाम थे आपको याद होने चाहिए, उनमें से था कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुरी। ये 3 गांव की जमींदारी अंग्रेज़ों को मिल जाती है, और उन्हीं के साथ साथ 1717 में जब 1707 में जहांगीर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1701 डिक्लाइन मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हो जाता है, और उसी क्रम में फ्रक्शर एक जिनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, और हैमिल्टन ने उनका उपचार किया और उसके बदले उन्होंने शाही फरमान अंग्रेज़ों को दे दिया। शाही फरमान में क्या किया, 3000 वार्षिक में पूरे बंगाल में और 10000 रुपये में पूरे सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। उसके अलावा उनके द्वारा बम्बई में बनाए गए सिक्कों को भी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, उनके सिक्कों को भी मान्यता प्राप्त दे दी गई मान्यता राजा के द्वारा। साथ साथ दक्षिण भारत में हमने देखा कि चंद्रगिरी के राजा के से मद्रास छीन लिया गया, और एक पॉइंट में बताना भूल गया, 3 गांवों को मिला के जॉब चरनोक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की थी। अब दक्षिण भारत में 2 प्रमुख सेंटर थे, बम्बई और मद्रास। मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से छीन लिया गया, वह जो कि आगे आने वाले टाइम में दक्षिण व्यापार का केंद्र बना 1639 में, 1639 में, और उनको बम्बई दहेज के रूप में मिल जाता है, जहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट ब्रिटेन के राजा और कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाली उनकी शादी होती है, और बम्बई पुर्तगाली लोग जिनके कब्जे में, पुर्तगालियों के कब्जे में था बम्बई, उन्होंने दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने सारे सेंटर पे अपना कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों के सेंटर का कैसा कैसा, केंद्रों का कैसे विकास हुआ, वो पिछले लेक्चर में हमने जान लिया। अब हम 3 यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पढ़ चुके हैं। अब 2 कंपनियां और बचती हैं, डेनिस और फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 200 साल तक राज करती है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो आइए डेनिस और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ते हैं। डेनिस का कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, 4 पॉइंट है। एक तो डेनमार्क की कंपनी थी, पहला पॉइंट। दूसरा, 1616 में वहाँ डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनी थी, और 4 साल बाद 1616 में बनने के बाद 4 साल बाद 1620 में अपना भारत में आगमन होता है, और पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के त्रम्बकौर में 1620 में पहली फैक्ट्री लगाते हैं, और थोड़े दिन बाद 1676 में 2 ही फैक्ट्री थी इनकी, 1620 में और 1676 में। 1676 में सीरामापुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, और 1845 में अपना पूरा व्यापार बाइंड अप करके अंग्रेज़ों को सारी फैक्ट्रियाँ बेचकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो डेनिस लोगों की कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, बस इनका जब भी नाम आए तो 3 या 4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। डेनमार्क के लोग थे डेनिस कंपनी, 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बनी थी, 1620 में पहली त्रम्बकौर में लगाते हैं, 1676 में सीरामापुर में लगाते हैं, और 1885 में सारी बेच के चले ही जाते हैं। उसके बाद लास्ट कंपनी, सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी थी, ये फ्रांस की एक कंपनी थी, ये नाम से ही पता है, 1664 में इसकी स्थापना होती है। देखो 1616 में इनकी होती है, 1664, तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। वहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इनकी स्थापना होती है। यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी, तो सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो उस टाइम के राजा वहाँ पे कौन थे, लुईस 14 हुआ करते थे, और
वित्त मंत्री कोलबर्ट हुआ करते थे। ये दोनों फैक्ट्स अपने को याद रखने हैं, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी तो वहाँ पे किसका राज था, राजा लुई 14 का राज था, और वित्त मंत्री ने वहाँ पे ये कंपनी बनाई गई थी इनके द्वारा, तो उनका नाम भी याद रखना है, कोलबर्ट और लुई 14, ये आपको ध्यान रखना। एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 में फ्रांस में हुई थी। अब चार साल बाद 1668 में ये भारत आती है व्यापार करने के लिए, और अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 में ही सूरत में लगाने के लिए कामयाब होती है। तो पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी की सूरत में 1668 में। अब किनके नेतृत्व में बनी ये, फेंको केरो, ये थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा। सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में फेंको केरो के नेतृत्व में लगाई। सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगती है। मसूलीपट्टनम में 1668 के बाद अगले ही साल 1669 में मसूलीपट्टनम में सेकंड कंपनी लगाने में कामयाब होते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पहली फैक्ट्री सूरत में, जो गुजरात, आज के गुजरात में है। उसके बाद 1674 में ये पांडिचेरी की स्थापना करते हैं, और फेंको इस मार्टिन के द्वारा इसकी स्थापना होती है। देखो यहाँ पे भी फेंको, यहाँ भी फेंको, यहाँ पे केरो है, यहाँ पे इस है, तो ये याद रखना, फेंको केरो और फेंको इस मार्टिन। तो फेंको इस मार्टिन का नाम आए तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 में, और फेंको केरो का नाम आए तो वो पहली फैक्ट्री लगाने में उनकी हेल्प थी। उसके अलावा दो पॉइंट तो ये याद रखने, 1664 में स्थापना हुई थी, दूसरा पॉइंट 1668 में भारत आई, 1668 में सूरत में फैक्ट्री लगाई पहली। उसके बाद अगले ही साल 1669 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री फेंको केरो की हेल्प से, और दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। 1674 में 1674 में पांडिचेरी की स्थापना करते हैं फेंको इस मार्टिन की हेल्प से, और 1690 में चंद्रनगर बंगाल पर इनका कब्जा रहता है, और काफ़ी दिनों तक इस पे ये अपने होल्ड में रखते हैं। 1690 में 1674 में पांडिचेरी, 1690 में चंद्रनगर बंगाल। इनके पतन का क्या कारण था? 1668 में और 1668 में आए थे, और 1742 तक इन्होंने प्योर यहाँ पे व्यापार किया, यहाँ के कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, कोई राजनीति नहीं की। लेकिन 1742 में डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत आते हैं। तो डुप्ले एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर हुआ करते थे। डुप्ले की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो इस डुप्ले की साम्राज्य विस्तार की नीति से उन्होंने भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जो जब भी दो राजा आपस में लड़ रहे होते थे तो ये कोई भी एक राजा का साथ देते थे, और इन्होंने एक प्रकार की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस राजा के साथ करते थे, और एक राजा का सपोर्ट करके उनको जिताने में हेल्प करते थे, बदले में उनसे रिबेट लेते थे, टैक्स में छूट लेते थे, और अपने बेनिफिट्स वहाँ पे लेने की कोशिश करते थे। यही काम पहले से अंग्रेज भी करते आ रहे थे, वो भी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे। तो इनके व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, डुप्ले की राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में मुठभेड़ होनी स्टार्ट होती है। इसी का रीज़न है कि अंग्रेजों से संघर्ष इनका होता है, और कर्नाटक में इनके 3 युद्ध होते हैं। तो डुप्ले आने से पहले ये प्योर एक कंपनी थी जिसको व्यापार से मतलब था। 1742 में डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की भारतीय राजाओं से, और जिनसे अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, और उनके परिणाम स्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो हम कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध में, जैसा कि हमने पहले बताया कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसका परिणाम था कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्धों के श्रृंखला में 3 युद्ध होते हैं। उसमें पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो ये इंडिया में कोई इसका कारण नहीं था, भारत में इसका कारण ना हो के इसका होने का कारण यूरोप में था। यूरोप में जहाँ पे, यहाँ पे मान लो ब्रिटेन है, यहाँ पे फ्रांस, और ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है,
तो इसमें उत्तराधिकारी का डिसीजन होना था। तो उस उत्तराधिकारी के सिलेक्शन के लिए ब्रिटिश लोग अपना एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठाना चाह रहे थे, और फ्रांसीसी लोग चाह रहे थे कि अपना एक सदस्य यहाँ पे उत्तराधिकारी बने ऑस्ट्रिया का। तो इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती है, यहाँ पे इनके बीच एक संघर्ष होता है। उसी संघर्ष का नतीजा भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में देखने को मिलता है। इसी तनातनी के बीच यहाँ पे फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों को ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। तो जब ब्रिटिश ने फ्रांसीसी लोगों के जहाजी बेड़ों को रोक लिया, देखो ये एक एग्जांपल से समझा जा सकता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का लड़ाई चल रही है कश्मीर पे, यहाँ पे मान लो युद्ध हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, तो यूएसए में कोई दो व्यापारी हैं जो भारत का और पाकिस्तान का है, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, और भारत के सेब के ट्रक भर के कोई मंडी में ले जा रहा है एक व्यापारी, और पाकिस्तान के व्यापारी उनके ट्रकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो भारत के व्यापारियों में संभवतः ही आपस में वहाँ भी वो लड़ने लग जाएंगे। तो सेम रीजन था, जब ब्रिटिश कंपनियों ने फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, तो डुप्ले ने इसकी शिकायत की, वहाँ कर्नाटक रीजन था, कर्नाटक ये आज का कर्नाटक नहीं, कोरोमंडल तट पे जो एरिया था, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो आज का कर्नाटक यहाँ महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, ये वाला कर्नाटक नहीं था, ये वाला रीजन था, ये कर्नाटक बोला जाता था, कार्नेटिक बोला जाता है इसको, कार्नेटिक। तो इस कार्नेटिक क्षेत्र में यह कार्नेटिक का राजा अनुरुद्दीन हुआ करता था। तो जब जहाजों के पकड़े जाने के बाद डुप्ले ने अपनी शिकायत अनुरुद्दीन कार्नेटिक के राजा से की, लेकिन उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका बदला लेने के लिए डुप्ले ने मद्रास में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, जैसे अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चंद्रनगर के राजा को हरा के मद्रास को कब्जे में लिया, तो और सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, तो वहाँ पे उनकी कॉलोनी हुआ करती थी। तो डुप्ले ने बदला लेने के लिए वहाँ पे कब्जा करने की सोची, लेकिन उसने सोचा यदि मैं यहाँ कब्जा करने जाऊँगा तो पहले कर्नाटक का राजा ही उसको हथियाना चाहेगा, तो कहीं बीच में कर्नाटक का राजा ना आ जाए। तो डुप्ले ने कर्नाटक के राजा को कॉन्फिडेंस में लिया, और कर्नाटक के राजा को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने बोला कि मैं बदला लेने के लिए यहाँ मद्रास को जीत ले रहा हूँ, और मद्रास को उसके बाद में आपको वापस दे दूँगा। लेकिन हुआ ये कि मद्रास को जीतने के बाद में, और जब अनवरुद्दीन कर्नाटक की मद्रास की मांग करता है, तो डुप्ले इनकार कर देता है देने के लिए, और अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध होता है। फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज को भेजता है अपनी तरफ से डुप्ले, और अनवरुद्दीन की सेना कर्नाटक की तरफ से, फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच में युद्ध होता है। इसमें अनवरुद्दीन हार जाता है और डुप्ले की सेना की विजय होती है। इस तरीके से फ्रांसीसियों की विजय ने अनवरुद्दीन को ये महसूस करवा दिया कि काफ़ी शक्तिशाली हैं यूरोपीय कंपनियां। और इधर अक्स ला सापेल की संधि होती है यूरोप में, और इस संधि के साथ ही यहाँ भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में संधि हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप और फ्रांसीसी लोग मद्रास को वापस अंग्रेजों को दे देते हैं, और इस संधि के बाद, अक्स ला सापेल की संधि के बाद कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। इससे दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कर्नाटक युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1746 से 48 के बीच। इसका कौन से संधि से ये समाप्त हुआ? अक्स ला सापेल की संधि से। इसका ओरिजिन यूरोप में हुआ। इसका कारण क्या था? यूरोप के ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। उल्टा भी पूछ सकते हैं, कौन सा युद्ध था जिसका
उत्पत्ति का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध। सेंट थॉमस की लड़ाई और अड्यार की लड़ाई कौन से युद्ध में हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई। किस किस के बीच हुई? अड्यार की लड़ाई या सेंट थॉमस की लड़ाई फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में हुई, जो है कर्नाटक का राजा था। तो कर्नाटक के अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में सेंट थॉमस की लड़ाई और अड्यार की लड़ाई हुई। एक महत्वपूर्ण बैटल है, इसको याद रखना है, 1748 में। इसकी समाप्ति अचला सापेल की संधि से हो जाती है। इसी के बाद दोनों में संधि तो हो जाती है, लेकिन एक तनातनी और एक दूसरे से बदले की भावना बनी रहती है, क्योंकि अंग्रेजों को इसमें एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो अंग्रेजों में कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के प्रति रोष था। एक साल बाद 48 में संधि हुई थी, एक साल बाद ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि एक युद्ध की संभावना दोबारा से बनती है। यहाँ पे अनवरुद्दीन की हार हो जाती है, तो अंग्रेज सिंपैथी देने अनवरुद्दीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रांसीसियों द्वारा हारा था, तो इसका इसके दुश्मन था। तो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अंग्रेजों के दुश्मन थे फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों का दुश्मन था अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन के दोस्त बन जाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। होता यह है कि जब 1748 में कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन रहते हैं, तो 1748 में पहले चंदा साहब हुआ करते थे वहाँ के राजा, जो कि मराठाओं के कब्जे में थे, और मराठाओं ने 1748 में चंदा साहब को छोड़ दिया। और चंदा साहब जब वापस आए कर्नाटक, तो वहाँ अनवरुद्दीन शासन कर रहा था, तो इन्होंने अपना राज वापस मांगा चंदा साहिब ने, तो अनवरुद्दीन ने देने से, गद्दी छोड़ने से मना कर दिया, और चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में एक गद्दी का संघर्ष जारी रहता है। और उसमें जहाँ पे अनवरुद्दीन के साथ पहले से ही अंग्रेज थे, तो चंदा साहिब के साथ फ्रांसीसी आ जाते हैं, तो एक अपोजिशन का माहौल पैदा हो जाता है। तो अंग्रेज अनवरुद्दीन का सपोर्ट करते हैं और फ्रांसीसी चंदा साहिब को राजा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मैंने बताया कि यहाँ पे कर्नाटक इस रीजन को बोलते थे, यहीं पे हैदराबाद होता था, या हैदराबाद में राजा के पोस्ट को निज़ाम बोलते थे। तो वहाँ भी, वहाँ के निज़ाम थे आसफ जाह, जो कि बूढ़े हो चुके थे, वो अपने उत्तराधिकारी के लिए पहले ही नॉमिनेशन कर देते थे। तो उनका पुत्र था नासिर जंग, और नासिर जंग का एक भांजा था मुजफ्फर जंग, तो दोनों ही राजा बनना चाह रहे थे आसफ जाह की मृत्यु के बाद। तो जो ही आसफ जाह की मृत्यु होती है, वहाँ पे राजगद्दी मिल जाती है उनके पुत्र नासिर जंग को। नासिर जंग जो ही वहाँ का निज़ाम बनते हैं, जो कि अंग्रेज उनका सपोर्ट करते थे, तो अंग्रेज बनाना चाह रहे थे नासिर जंग को, नासिर जंग ही बन जाते हैं, और मुजफ्फर जंग नहीं बन पाते हैं, तो फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग की सपोर्ट में आ जाता है कि हम आपको राजा बनाएंगे। इधर ये चंदा साहेब को सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ लिया और कर्नाटक पे अटैक कर दिया। सबसे पहले चंदा साहेब को गद्दी दिलाने के लिए मुजफ्फर जंग का साथ लेके फ्रांसीसियों ने एक टीम बन गई, मुजफ्फर जंग चंदा साहेब और फ्रांसीसियों की एक टीम बन गई। उसमें चंदा साहेब को गद्दी दिलाने के लिए अनवरुद्दीन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों ने चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग से मिलके कर्नाटक में एक युद्ध छेड़ते हैं, जिसे अंबूर की लड़ाई कहते हैं। इस अंबूर की लड़ाई में 1749 में त्रिगुट की विजय होती है, और यहाँ पे अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और गद्दी चंदा साहेब के पास आ जाती है। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन की जब मृत्यु होती है, तो इनका बेटा आसफ अली वो डर के तिरुचनापल्ली भाग जाता है। यहाँ पे चंदा साहिब गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब अंग्रेजों की यहाँ पे हार हो गई, अनवरुद्दीन यहाँ पे मारा गया, तो उन्होंने लगा, नासिर जंग को उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें दोबारा से कर्नाटक में चंदा साहिब को हटा के इनके पुत्र जो कि तिरुचनापल्ली में है आसफ अली, उनको शासन में लाना है, नहीं तो ये तीनों का गुट आपको भी दिक्कत करेगा और मुजफ्फर जंग को आपकी जगह राजा बना देगा। इसी कारण अंग्रेज यहाँ पे आसफ अली को बैठाना चाह रहे थे, तो इन्होंने नासिर जंग को
1950 में नासिर जंग कर्नाटक पे अटैक कर देता है और आसिफ अली को बनाने के लिए चंदा साहिब यहाँ के राजा रहते हैं, नासिर जंग की सेना यहाँ पे अटैक करती है, लेकिन नासिर जंग की सेना ही विद्रोह कर देती है। उसका फ़ायदा फ्रांसीसी सैनिक उठाते हैं, फ्रांसीसी इसका फ़ायदा उठाते हैं और नासिर जंग को वहाँ मार दिया जाता है और एक बार फिर से अंग्रेज़ों की यहाँ पे हार होती है। और यहाँ पे नासिर जंग की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग यहाँ के राजा बन जाते हैं। तो हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग बन गया जो कि फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे और कर्नाटक में भी चंदा साहेब राज कर रहे जो कि फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की हार हुई और फ्रांसीसियों की विजय हुई। इसके बाद यहाँ आर्काट का एक युद्ध होता है। आर्काट के युग में रॉबर्ट क्लाइव जो कि बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट गवर्नर था, वो हार नहीं मानी उसने और एक और युद्ध करता है, आर्काट का युद्ध। इसमें आर्काट के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर रहता है और यहाँ चंदा साहिब के सेनापति रहते हैं राजा साहिब, इनके बेटे। तो राजा साहिब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजी सेना की विजय होती है और आर्काट की लड़ाई 1752 में यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव फाइनली विजयी होते हैं। चंदा साहिब यहाँ से भाग के तिरुचनापल्ली भाग के चला जाते हैं, वहाँ तंजौर के राजा ने उनका वध कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे अंग्रेज़ों की विजय होती है। सब होने के बाद जब पता चलता है फ्रांसीसी गवर्नमेंट को, तो डुप्ले को वापस बुला लेती है और गोडेहू को अपना नया गवर्नर बनाते हैं। गोडेहू ने सारे युद्धों में आगे से भारतीय राजाओं में इंटरफेयर नहीं करने की बात रखते हैं और दोनों कंपनियों के बीच में संधि हो जाती है जिसको पांडिचेरी की संधि बोलते हैं। तो कौन सा युद्ध था जो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारों की युद्ध के लिए लड़ा गया? तो सेकंड कर्नाटक वॉर था जो 1749 में चलता है, 1754 में फिनिश होता है। अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक वॉर। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक चलता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत भी पहले कर्नाटक युद्ध की तरह यूरोप से होती है। यूरोप में जहाँ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का शुरुआत होता है, तो यहाँ भारत में भी उसकी वजह से एक संघर्ष देखने को मिलता है जो कि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में 1756 से 1763 के बीच चलता है। तो 1756 में स्टार्ट होता है वहाँ पे युद्ध 1756 में और दो साल बाद 1758 में इसकी शुरुआत कर्नाटक में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच भी देखने को मिलती है। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर लेली, काउंट डी लेली रहते हैं यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे वोंडिवोस का युद्ध होते हैं। ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इसी के युद्ध के बाद में फ्रांसीसी राज करेंगे या भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी, वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पे फ्रांसीसी वोंडिवोस के युद्ध में हार जाते हैं जो कि 12 जनवरी 1760 को होता है। वोंडिवोस युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धों में से एक है, तो इसकी अपने को डेट याद रखनी है। वोंडिवोस का युद्ध किस किस के बीच हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, जो कि 12 जनवरी, ये याद ना रहे तो 1760, ये तो याद रखना है कि 1760 में वोंडिवोस का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ की तरफ से सर आयर कूट थे और फ्रांस की तरफ से काउंट डी लेली थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और फ्रांसीसी हार जाते हैं। उसके बाद पेरिस की संधि होती है यूरोप में 1763 में, वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है। तो यहाँ भी भारत में भी दोनों के बीच युद्ध विराम और समझौता होता है। पता है कि इससे ये साफ हो जाता है कि अब आगे आने वाले टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही भारत पे राज करेगी। एक अंतिम जिन्होंने टक्कर दी थी वो फ्रांसीसी थे अंग्रेज़ों के साथ, वो भी वोंडिवोस के युद्ध के बाद उनका भी यहाँ पे एक तरीके से प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और एक छोटे से एरिए में वो सिमट के रह जाते हैं। वो पांडिचेरी कराईकल वाले एरिए तक ही सीमित रहते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? तो कौन सा युद्ध है जो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था? तो वह थर्ड कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर थर्ड कब से कब तक चला? 1758 से
63 तक। कौन सी संधि से तृतीय विश्व युद्ध खत्म हुआ? तो पेरिस की संधि के साथ। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त होने वाला कौन सा कर्नाटक युद्ध था? तो थर्ड कर्नाटक वॉर था। थर्ड कर्नाटक वॉर में कौन सा युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है? वोंडिवोस का युद्ध 1760 में, जिसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उस टाइम फ्रांस के गवर्नर कौन थे? तो काउंट डी लेली थे। और वोंडिवोस के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना में कौन थे, अंग्रेज की सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो सर आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पेरिस की संधि 1763 में होती है, पांडिचेरी की संधि 1755 में, अक्सला सापले की संधि 48 में होती है 1748 में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अड्यार और सेंट थॉम की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच हुई। ऐसे अंबर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है 1749 में, ये हुई अनवरुद्दीन और इन त्रिगुट के बीच में, या फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। अर्काट का युद्ध 1752 में होता है, जो कि संदा साहिब के बेटे राजा साहिब और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। और वोंडिवोस का युद्ध 1760